जो ऑलरेडी जीत चुके हैं स्टेज पे आई। यही होता है बोलने वाला टीचर है तो। राजनीति इसी को बोलते हैं। एनीवे ये हमारी टीम आपने ऑडियो विजुअल में भी देखा, मंच पे भी देख रहे हैं आप। किसी को स्पेशल इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ये सब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इनका नाम है, इनकी पोजीशन है और बिजी लोग हैं। मैं टीपी अग्रवाल से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ शब्द आपके सामने रखें, उसके बाद कुछ और हमारे गेस्ट हैं वो भी बोलेंगे और आपके साथ शेयर करके एंड वी कैन नॉट गो फॉर द इलेक्शन। देन वन मोर पर्सन फ्रॉम द साइड, मिस्टर सुरेश ग्रोवर, ही हैज ऑलरेडी विथड्रॉन, एंड मिस्टर जितेंद्र गांधी सर, एंड आई थिंक वन मोर पर्सन विल गो वेरी सून। I know it. So this election thing, we have to work very hard, and we should work very hard for the opposition. Arvind, नहीं, हाँ, Arvind जी को ना बहुत कोशिश की खड़े करने की, Arvind जी की खड़े, नहीं नहीं खड़े हो उनको। सबसे अच्छी बात है कि last time भी election के अंदर जो Arvind मेरे against खड़े हुए थे, वो सब मेरे साथ थे, वो came from the opposition side, and happy for that. But I want to make a team. I never lose my people. But of course, in this market, many teams and team are with me. And I wanted them to be with me, but unfortunately, they wanted to become the president, so but what can I do? So they have gone. Next time, अभी हम लोगों ने इंपा के अंदर बहुत कुछ किया है। इंपा का यहाँ ऑफिस बनाया, बहुत बड़ा ऑफिस है। We had given the insurance scheme to the producers, वो बहुत अच्छी बात है। Our next issue is to give to minimum 100 producers, जिनकी हालत बहुत खराब है, जो कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ के अंदर, to them about 2000 rupees per month pension. That is this one. I am thinking for next year. And one more thing is that we are going to start a mini theater, as the theater is we have started in Bombay. We want to start it in Ahmedabad also. Because Ahmedabad producers, they have got this problem. They cannot pay more. So in IMPA here we are charging only 6000 rupees. आपको शायद पता है या नहीं पता है, जो आप प्रीव्यू करते हैं और बाहर देखते हैं, I've also got my own theater, we are charging 12000 rupees. But in IMPA theater we are charging 6000 rupees. For sure. And I wish that producers, they should take more benefit of it. And this year, even Oscar film was selected from the IMPA theater. Then Oscar screening was done in IMPA, and we have selected that Assam picture from there. Unfortunately, I have to announce the picture, but I was in Ahmedabad for my visit, so I could not do that. Rest, my team is dynamic team. Sab here yahan pe chune hue, and I think they are there to work for the producers. They are really working for the producers, they are working very hard. I am proud of them. जो टीम थी प्रोड्यूसर्स के पास पैसे पहुंच नहीं पाते थे, इट वॉज वेरी लो काइंड ऑफ बिजनेस दैट इज दे वॉज डूइंग इट। तो लास्ट तीन साल पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि प्रोड्यूसर्स के पास पैसे क्यों नहीं पहुंच रहे, तो उनकी जो सेल्स एज ए बिजनेस प्लान दैट इज वी कैन हेल्प यू आउट ऑल्सो, जो हमने किया पहले, हमने अपने पे प्रैक्टिकल किया कि मैंने भोजपुरी पिक्चर बनाई, जो मैंने पहली भोजपुरी पिक्चर थी, और भोजपुरी पिक्चर में बहुत लो प्राइसिंग मिलती थी लोगों को। आई थिंक सो सारे प्रोड्यूसर्स यहाँ पे हैं, तो आई थिंक सो जो बड़ी बड़ी पिक्चर थी उनको 12 से 15 के आसपास का एवरेज था उनका, तो मैंने उस पर काफ़ी वर्कआउट किया कि इनको पैसे कैसे मिले। और ये जरूरी नहीं है कि लोग दें, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टीवी सैटेलाइट्स, जहाँ से पैसे आप लोगों को मिल सकते हैं, वो हम लोगों ने टारगेट एक बनाया और 12 लाख से हम लोगों ने शुरुआत की थी। आई थिंक सो दादा यहीं पे कहाँ है, 12 लाख, राइट राइट अगर राइट नाउ व्हाट इज द प्राइस, मोर देन 50 लाख, सो दैट इज फॉर द प्रोड्यूसर्स।
तो हम लोग वैसे ही ट्राई कर रहे हैं कि जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं क्योंकि दे वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू दैट द भोजपुरी इंडस्ट्री और रेस्ट ऑफ द सैटेलाइट आल्सो वो 3 ही हेक्टेयर को मिलता है बाकी किसी को नहीं नहीं उसका भी मिला है आपको 3 लाख मिलते थे जो छोटे जो आर्टिस्ट की जो मूवी थी आज आपको 15 से 20 लाख रुपए मिल रहे हैं अगर कोई प्रोड्यूसर्स अभी अगर साइन किए होंगे एग्रीमेंट सो दैट इज फॉर योर डेवलपमेंट आपके डेवलपमेंट के लिए वो चीजें हैं तो वो चीज आपको जैसे हमने सीखा वैसे आपको कैसे करना है कैसे आप और ज्यादा पैसे आप टीवी से ले सकते हैं जो इंडस्ट्री है वो लोग आपको हेल्प करेंगे करने के लिए उसमें हम लोग की जितनी भी टीमें हैं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वो हम लोग हेल्प करेंगे हम लोग यही बताने की कोशिश करेंगे 3 साल में काफी चीजें चेंज हुई है तो उस चीज के लिए दीपक शाह जी आई थिंक सो ही नोस द बेटर ऑप्शंस ऑन दिस एंड इज लाइक एंटायरली देयर इज द ग्रोइंग मार्केट एंड ही नोस एवरीथिंग फॉर दैट सो काफी चीजें हैं जो ग्रो करेंगे बट हम लोग जब तक एक यूनाइट होकर के सारी चीजें नहीं करेंगे क्योंकि चैनल्स जितने आएंगे प्रोड्यूसर्स के लिए बेनिफिट है तो वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सारी चीजें जो है और डेवलप हो प्रोड्यूसर्स के लिए थैंक यू मैंने सिर्फ अभी 3-4 फिल्में प्रोड्यूस की हुई है चलो जी बस अभी रिसेंटली रिलीज किया है शूट है उसके पहले रिलीज किया था कसम दस मेन न्यूज जब 15 दिन पहले सर के पास मेरा मीटिंग हुआ फर्स्ट टाइम फॉर दिस इलेक्शन मैटर सो दैट टाइम आई केम टू नो हिज विजन के उन्होंने मेरे को बहुत एक उनका जो मेन कंसर्न था वो उन्होंने मेरे को प्रेजेंट किया कि भैया अहमदाबाद में 3 साल पहले आपके ही गुजराती प्रोड्यूसर ने रिक्वेस्ट किया था इसी मीटिंग में to have one small IMPA office there to operate for the all Gujarati producers so that Gujarati producers don't need to come Ahmedabad for all the times to register the titles lekin wo office samo 3 saal se chal nahi raha hai ya function properly nahi kar raha hai maine bola sir mujhe to abhi pata chala ki IMPA ka office wahan pe bhi hai I mean koi bhi producers ko wahan pe jankari bhi nahi hai aur वहां से कुछ काम नहीं हो रहा था तो उसके लिए इम्पा जिम्मेदार नहीं है या पैनल जिम्मेदार नहीं है वो गुजरात के कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबल थे जो अभी इस बार ये टीम में नहीं है तो उनका ये भी विजन था कि वैशल वहाँ पे अभी जब हम लोगों ने लास्ट टाइम मीटिंग किया तो प्रोड्यूसर्स लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग को कैफे के अगर छोटा सा प्रीव्यू थिएटर मिले तो बेटर होगा तो वो भी सर ने इमीडिएट बेसिस पे सैंक्शन किया हुआ है क्योंकि यस हम लोग इम्पा का एक नया ऑफिस भी प्रॉपरली हम लोग उसको एक फंक्शनल वे में डेवलप करेंगे और उसके साथ साथ एक प्रीव्यू थिएटर भी करेंगे so the entire team is very positive very energetic very open to accept all the requirements by the producers so thank you appreciate thank you so much thank you ne bola hai ashok ji boli rahe hain lekin ek cheez batau abhi thode din pehle IMPA ne hamare producers ke liye jisme se ek bhogi main bhi hu एक कोई कंपनी है जिसने सैकड़ों प्रोड्यूसरों के साथ में एक फ्रॉड किया है ये किसी एसोसिएशन के गाइडलाइन में नहीं आता है लेकिन वो फरियाद लेके जब हम टीपी सर के पास गए कि देखिए कि ये प्रॉब्लम प्रोड्यूसर्स की हो रही है तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके आज वो सारे प्रोड्यूसर का केस इम्पा लड़ रही है हमारे जो सीनियर मोस्ट एडवोकेट है सरोगी जी अशोक सरोगी जी उनके अंडर में उनके गाइडेंस में वो हम सारे प्रोड्यूसरों के लिए वो केस लड़ रहे हैं तो इस टाइप का काम इस टाइप की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ टीपी जी के गाइडेंस में इम्पा ही कर सकती है और कोई कर ही नहीं सकता बाकी तो सारी बातें सब आप लोग जानते हैं सारे सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं जितने लोग यहाँ खड़े हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में सब एक दूसरे से हम लोग रिलेट करते हैं लेकिन ये बात पक्की है कि IMPA जिस हिसाब से अपने प्रोड्यूसरों का अपने मेंबरों का ध्यान रखती है वो बहुत ही काबिले तारीफ है धन्यवाद साथी रहा हूँ अब मैं 77 हो गया हूँ तो नेचुरली नहीं लेकिन बहुत हैट्स ऑफ टू टीपी साहब एंड उसकी टीम को मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आज हर कॉर्पोरेट हर बड़ा प्रोड्यूसर हर जितने हैं वो प्रोड्यूसर्स ढूंढ रहे हैं तो दे आर सो बिजी अबाउट देयर ओन बिजनेस प्रोड्यूसर्स में बायोडाटा जो चाहे IMPA उनको हेल्प करे कि बायोडाटा उनका वहां पहुंच जाए सो दैट क्योंकि मैं तो खैर अब एज क्रॉस कर गया काफी यंग है तो कैपेबल है जो जा सकते हैं तो उनका बायोडाटा जो है ना IMPA हेल्प करे कि वहां पहुंचे उनके ऊपर पढ़े तो उनको लगे कि हाँ यार
ये हम चूज कर सकते हैं, पता नहीं कब किसकी किस्मत में कहां आ जाए, तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी। थैंक यू फॉर टीपी अग्रवाल जी एंड ग्रुप, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स की जो है वो इलेक्शन की मीटिंग है, तो कुछ एक अलग अंग्रेजी टॉकी फिल्म बनाई थी आलम आरा, उन्होंने इसकी स्थापना की। दिस इज अ मदर बॉडी, ये एक मदर बॉडी है, और इस मदर बॉडी की मैं अहमियत आपको बता दूं, जब हिंदुस्तान को उसकी आजादी मिली थी 1947 में, देयर वाज नो फिल्म डिवीजन, इम्पा के लोगों को बुलाया गया था उस शूटिंग को करने के लिए जहां पर हमारे हिंदुस्तान का झंडा लहराया था, तो इम्पा इज अ वेरी प्रोमिनेंट बॉडी। अब टीपी जी ने आने से पहले ये कहा कि जो विरोध में थे वो भी मेरे साथ है, कितना बड़ा विजन है इनका इम्पा के लिए, कितना बड़ा विजन है इनका। इनकी बात से मुझे एक बात याद आई, जब रावण मरने लगा था तो उसने राम जी से एक ही अच्छी बात कही थी कि हे राम, मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूं, हे राम मैं तुझसे ताकत में भी बहुत बलवान हूं, राम लेने में रहते मैं बुद्धि में भी तुझसे बहुत ज्ञानी हूं, मेरे पास सोने की लंका है, मेरा राज्य बहुत बड़ा है, मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे हार गया, पता है क्यों? क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं। सीपी अग्रवाल जी का यही विजन है, यही विजन है, और मैं कहता हूं कि ही बिलीव इन यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, यूनिटी इज द इंटेग्रिटी। इस पर एक चार लाइन कहकर मैं यहां से अलविदा लूंगा, जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, ये आप सबको जो है कहना है कि जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इरादा करो कि जीत जाएंगे हम। जय हिंद। तो मैं इम्पा से 17 साल से जुड़ा हूं, मैंने हर प्रेसिडेंट के साथ काम किया है, शक्तिदा से लेकर टीपीपी के साथ, लेकिन जो टीपीजी के साथ काम करने में जो मजा था, और उन्होंने काम करके बताया, आज इम्पा का देखिए पूरा हाउस, इम्पा हाउस होने के बावजूद अंधेरे में पूरा इनका बोर्डरूम है, इन्होंने प्रॉमिस किया था उस टाइम, मुझे याद है 8-10 साल पहले हमने बात की थी, तो इन्होंने मुझे कहा था कि नहीं यार, हम लोग को अपने मेंबरों के लिए एक छोटा मिनी थिएटर बनाना चाहिए, प्रियो थिएटर बनाना चाहिए, तो लेकिन इस आदमी ने उस बात को याद रख के आज इम्पा का खुद का प्रियो थिएटर। तो ये काम करना जो काम है, आज पैसा भी देखिए, आज अकाउंट्स देखिए आपके, जो फंड्स आ रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी रहने के बावजूद इम्पा का यहाँ पे इतना बड़ा ऑफिस है, हम लोग वेस्ट इंडिया इनके साथ काम करते हैं, टाइटल्स के हम लोग साथ में काम करते हैं, जो पूरी कमेटी है जो इम्पा अभी जो टीवी साहब के साथ है, स्पेशली नीलम जी है, मनोज चतुर्वेदी जी है, और हम लोग बाकी के भी लोग हैं, मेहुल जी है, तो सबके नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन इन्होंने जो काम करके यहाँ तक इम्पा को लाया है, तो बीच में ऐसा लग रहा था कि इम्पा कुछ काम नहीं हो रहा है, नीचे जा रही है, लेकिन आज आप पीछे मुड़ के जब मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे ज्यादा क्लोजली देखा हूँ, तो जो इम्पा आज इस स्तर पे आई है, इसका पूरा श्रेय डीपी जी और उनके पूरे टीम को जाता है। जय हिंद, जय महाराज।
नेक्स्ट आलू सोचेंगे जो गरीब जिनके पास अपने फंड्स नहीं है और जीरो ना मदर 20 साल से 30 साल 40 साल काम नहीं तो ऐसे 100 प्रोसेस के लिए ये स्टार्टेड फैक्ट्री। तो ये भी कहना चाहूँगा सर पैरेलल एसोसिएशन भी आ जाते हैं युवा के अलावा भी तो वो जो कितना चुनौती है नहीं बहुत एसोसिएशन बेसिकली इम्पा इज अ मदर एसोसिएशन बाकी जितनी एसोसिएशन वो इम्पा से ही देखिए इम्पा के इलेक्शंस हैं हर 3 साल में होते हैं और टीपी अग्रवाल जी का जो ग्रुप है वही हर 3 साल में आता है और इसलिए आता है क्योंकि टीपी अग्रवाल साहब ही नहीं है वो कारण जो काम किए हुए हैं पिछले 3 साल और उसके पहले भी इम्पा की जो पदवी है इम्पा की जो डिग्निटी है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है तो उसी कारण के वजह से जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं हमारे जो लोग मेंबर्स हैं वो सारे लोग खुश हैं इसलिए वो एनमास आके हम लोग को वोट करते हैं और हमारे पूरे 23 के 23 जो हैं वो इस बार भी जीतेंगे उसमें से 2 ऑलरेडी जीत चुके हैं टीवी विंग के अनअपोज क्योंकि उनके सामने किसी ने अपना नॉमिनेशन नहीं भरा तो टीवी विंग के जो हमारे 2 कैंडिडेट्स हैं वो जीत गए बाकी जो 21 हैं वो भी इसी तरह से जीतेंगे हमें पूरी उम्मीद है और जैसे बाकी जगह इलेक्शन में होता है अगर आपने काम किया हो और आपने परफॉर्मेंस की हुई है तो 100% लोग आके वोट करते ही करते हैं तो ये एक फॉर्मेलिटी है जो एक एसोसिएशन में होती है और इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने में हमारा फ़र्ज़ है बट जीत जो है वो 100% इसी ग्रुप की होगी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से और उनके काम की वजह से। विजन क्या है किस तरह से और देखिए हमने पिछले साल पिछले टर्म में जो प्रोमिसज किए थे वो काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं हमने थिएटर बनाया प्रोड्यूसर्स के लिए जो अपनी स्क्रीनिंग कर सकते हैं फिल्मों के लिए जो बहुत ही सस्ते दाम पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया मेंबरशिप हमने काफ़ी देखिए इंश्योरेंसेस किए हुए तो उसी चीज़ को अभी आगे बढ़ाने के लिए UFO में मल्टीप्लेक्सेस में जो जो इश्यूज चल रहे हैं प्रोड्यूसर्स के उनको सारे लोगों को सॉर्ट करके एक बहुत ही बड़े लेवल पे इसकी एक मुहिम हम शुरू करेंगे कि सेकंड लाइन ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है या थर्ड लाइन ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है देखिए बड़े प्रोड्यूसर्स जो है वो अपने आप को हैंडल कर लेते हैं चल जाती है वो भी इंटरेस्टेड है कि किसी तरीके से थिएटर रिलीजेज जो है वो हर प्रोड्यूसर के लिए थोड़ी बहुत आसान हो जाए और बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया है फिल्म बन जाती है फिल्म रिलीज होने के कगार पर आती भी है लेकिन फिल्म को रिलीज़ करके थिएटर में लाना है अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई होती है उसी को शॉर्ट करने के लिए मेरी फिल्म एक्शन में प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका तो नवंबर के महीने में इसका उसका अनुभव फिर प्ले कर रहा है मनमोहन सिंह का और इंटरनेशनल लेवल की फिल्म है जिसकी शूट हो चुकी है अब मोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और नवंबर 22 को उसी में मेरे हिसाब से पीपी जी ने जो काम किया है और उनके ग्रुप ने जो काम किया है उसका अल्टरनेट फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आता वो सारा रिजल्ट सामने है उन्होंने दिल से काम किया वरना आज देखिए हाईएस्ट 2006 से लेकर अभी तक ये ग्रुप आ रहा है तो कोई तो प्लस पॉइंट और सारे काम किए हुए ये नहीं कि कोई काम नहीं किया और अभी भी हमारे 3-4 ऐसे काम है जो आने के बाद वो करेंगे और डेफिनेट मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि ये ग्रुप को हमने इलेक्शन में मतलब जीता था गलती की क्योंकि जितने भी काम करने वाले लोग वो जेन्यून वर्कर है उनका मतलब पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है आप वर्षों पहले का इम्पा देखिए आज का इम्पा देखिए इम्पा की प्रॉपर्टी देखिए इम्पा के काम देखिए फंड देखिए एवरीथिंग मतलब डेवलपमेंट इतना हुआ है कि मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ग्रुप है उसका जो है कि भाई हमारी जीत मतलब इम्पा की जीत वो जो कैप्शन 100% सही है सब की जीत तो सर ऐसा फिल्म में क्या बताइए कि इस फिल्म में काम कर रहे हैं वर्किंग ऑन एम्बिशियस प्रोजेक्ट काफ़ी सारे और फिल्म अभी मतलब क्या है मतलब देखिए फ्रेंकली बोलो तो मतलब जब से कंपनी आई है ना तो इंडस्ट्री का क्रिएशन काम खत्म हो गया अभी जो भी हो रहा है वो प्रपोजल पर एंड प्रपोजल जो मैंने कभी बनाई नहीं तो हमें समझ में आर्टिस्ट को उस प्रोजेक्ट को साइन किया जो कहानी में वो फट आज क्या होता है पहले क्वेश्चन होता है आर्टिस्ट को तो वो प्रपोजल फिल्म नहीं बनी इसीलिए देखिए आज मतलब ऐसी फिल्में नहीं बनती है 2-4 मेकर है जिनकी फिल्में लोग याद करते हैं बाकी फ्राइडे को रिलीज हुई मंडे को डिसकंटिन्यू भी हो जाती है मेरा मल्टीप्लेक्स का बिजनेस आई नो कि 200 में 100 बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तो अभी क्या है कंटेंट वाली फिल्म आज भी चल रही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बजट की वजह से फिल्म में प्रॉब्लम आ रही है आज बिजनेस बहुत अच्छा है यही बड़ी फिल्म अगर
20 करोड़ में बनती है तो 100% 60 करोड़ का धंधा करे, और छोटी फिल्म 5 साल में बनती है तो 100% 15 करोड़ का धंधा करे। लेकिन बजट पब्लिसिटी का बजट इतना बन गया है, इतनी प्राइजें बढ़ गई, उसकी वजह से मतलब बिजनेस को इफेक्ट हो रहा है। बड़ी बड़ी फिल्में भी लोग पब्लिक नहीं कर रहे हैं। मेरा दो प्रोजेक्ट का प्लानिंग चल रहा है, एक यूथफुल फिल्म में और एक देशभक्ति की फिल्म में, तो दिवाली के बाद स्टार्ट कर रहा है। इतना ज़्यादा उत्साह क्यों लगा ये इलेक्शन और क्या विजन है आगे दीपावली?
कई सालों से संभाला है, उनको आगे भी इसे संभाले, एंड आई होप एंड ही इज गोइंग टू विन दिस इलेक्शन 100% एंड ही विल टेक केयर ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स हु आर अंडर दिस शैडो एंड दे विल डेफिनेटली बेनिफिट बिकॉज ऑफ दिस टीम. ये नई शुरुआत जो एक नई आगाज हमें कुछ कहना चाहिए सर. नई आगाज यानी कैसी नहीं है, कुछ नए मेंबर जो रहे हैं, कुछ नई तैयारियां, कुछ एजेंडा नया तैयार किया जा रहा है. डेफिनेटली एजेंडा नया तैयार होगा, हर चीज़ बदलती है और बदलते टाइम में सब कुछ बदलना चाहिए और अच्छे के लिए बदलना चाहिए और बेनिफिट सबको पहुँचे, चाहे वो छोटा प्रोड्यूसर हो बड़ा प्रोड्यूसर हो, बेनिफिट सबको बराबर मिले और इसी राह पे वो लोग काम कर रहे हैं. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. नई योजना के साथ शुरुआत की जा रही है टीपीजी, हमेशा जीते हैं क्योंकि योजनाओं की अच्छी रहती है और वो कभी भी प्रोड्यूसर के हित में सोचते हैं और हम सब लोग जो भी हैं और टीपीजी के साथ हैं उनके सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं और उनकी जीत निश्चित है. उनके जो टीम मेंबर हैं और कई लोग और नए सदस्य जैसे रत्नाकर जी जो उसमें पहल किए हैं और भी आप लोग जो रत्नाकर मेरे दोस्त हैं, दुर्गा दादा हैं, इन लोग जो कभी नए मेंबर ऐड हुए हैं, जब मैंने सुना तो मुझे स्पेशल आना पड़ा और मैं इस वजह से भी यहाँ पे स्पेशल आया कि मेरे दोस्त लोग भी इसमें हुए और उनके साथ हमारा सपोर्ट है और हमारी बहुत सारे और भी टीम है जो हमारे भोजपुरी पुलिस जो हमारे मित्र हैं उनका भी सपोर्ट है. टीपी अग्रवाल ग्रुप के साथ और हमेशा रहेगा क्योंकि ये ग्रुप अच्छा काम कर रहा है. और बस यही कहूँगा हमारी फिल्म जो आ रही है जिहाद, उसके लिए भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ज़रा उस फिल्म के प्रमोशन के लिए भी मैं आया हूँ. चाहता हूँ कि ये ग्रुप के साथ और आप लोगों की दुआओं के साथ ये पिक्चर नवंबर में रिलीज़ होनी, जो अभी अभी सेंसर हुई है जिहाद, और इसकी तैयारी भी चल रही है हमारी और मेरी शुभकामनाएँ हैं टीपी अग्रवाल एंड ग्रुप के साथ. थैंक यू.